Let us solve the question. The question is, find the area of a triangle whose vertices are 3, 2, 11, 8 and 11, 12. Suppose we have a triangle A, B, C and the coordinate of A 3, 2 and the B 11, 8 and C 8, 12. Suppose this is x1, this is y1, this is x2, this is y2, this is x3, this is y3. ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया. नाउ यूजिंग द फर्स्ट मेथड, एरिया ऑफ ट्रायंगल. हमने देखा ट्रायंगल ABC क्या होता था, उसका एरिया हमारे पास 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉडुलस. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव तो हमारे पास एरिया नहीं होता, डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं. x1 हमारे पास 3, y2 है हमारे पास 8 और y3 है हमारे पास 12 प्लस x2 है हमारे पास 11, y3 है हमारे पास 12 और y1 है हमारे पास 2 प्लस x3 है हमारे पास 8, y1 है हमारे पास 2 और y2 है हमारे पास -8. ठीक है, कैलकुलेट करते हैं. 1/2 ये हो जाएगा हमारे पास -4 यानी -12 प्लस ये 10 यानी 110 ये हो जाएगा -6 यानी कि -48. ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा हमारे पास -60 प्लस 110 तो हमारे पास 50. तो कैलकुलेट करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 यूनिट्स. ठीक है, ये तो हमारे पास कौन सा वे हुआ, फर्स्ट वे हुआ. सेकंड वे से अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, यानी कि अल्टरनेट वे भी बोल सकते हैं उसको. ठीक है, हमें वैसे इसी फॉर्मूले से एरिया फाइंड आउट करना है. अदरवाइज अगर हम सेकंड फॉर्मूले से एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे हम, x1 x2 x3 लिखना होता है. 3 11 एंड 8 अगेन 3, 2 8 12 अगेन 2. फर्स्ट ऑफ ऑल इन सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. ठीक है, विद माइनस साइन अगेन इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. ठीक है, और फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो हमारे पास फाइनली जो एरिया हमारे पास अभी आया है 25 यूनिट्स, सेकंड मेथड से भी वही आएगा. आई होप कि सभी को क्लियर हुआ होगा. ठीक है, कि हमारे पास जब वर्टिसेस गिवन होते हैं तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल.